हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 10, यानी कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने ऑलरेडी हमारा चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही आगे बढ़ सके और आप डिटेल में सॉल्यूशन को जान सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज को बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको सबसे पहला क्वेश्चन 1 दिया है कि हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के कौन कौन से टाइप्स है भाई? इम्पोर्ट ट्रेड हाँ है, एक्सपोर्ट ट्रेड ये भी है, इंटरपोर्ट ट्रेड ये भी है, लेकिन इंटरनल ट्रेड क्या है? नहीं है, ये इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड अलग अलग चीज है। ठीक है, तो यानी कि मेरा ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, ये क्या इनकरेक्ट हुआ? ए बी और सी ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो जब मेरे को करेक्ट ऑप्शन मिले, आगे भी देख लेते हैं, ए बी सी एंड डी और नन ऑफ दिस, ऐसे तो है नहीं है भाई। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, ए बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन में, सेकंड में हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इंक्लूड। जो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड है, ठीक है, जो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है फॉरेन ट्रेड में? इंजीनियरिंग गुड्स करता है, जेम्स एंड ज्वेलरी ये भी करता है, एक्सपोर्ट करता है मतलब हमारे कंट्री से बाहर क्या क्या जाता है, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गार्मेंट ये भी जाता है, गोल्ड गोल्ड नहीं जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ए और सी? नहीं, ए बी सी, ए और बी और सी तीनों ही है इसमें, बी सी डी, बी सी और डी, ये डी नहीं है हमारा, नन ऑफ दिस भाई, ऐसा तो है नहीं। इंजीनियरिंग गुड्स होता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज होता है, यानी हमारा ऑप्शन जो सेकंड है वो क्या है, ए बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड किस किस काम आता है? पहला फॉरेन एक्सचेंज करेक्ट, इंकरेज इन्वेस्टमेंट करेक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। देखो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से किया है। अगर आपको चैप्टर नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो में जाइए और उसको देखते रहिए। ठीक है, ब्रिंग चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये तो भाई अलग ही मैटर है। हाँ, ये तीनों हैं, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन ए बी एंड सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। हम लोग को कुछ फ्रेज दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो किस बारे में बात करना कर रहा है और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो भी तरीका मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, पर हमारा यहाँ पे इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, क्या है, इंडिया परचेज कर रही है पेट्रोल फ्रॉम ईरान, तो ये मेरा क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड। इंडिया क्या कर रही है, परचेस कर रही है, यानी अपने कंट्री में मंगवा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, तो इम्पोर्ट ट्रेड को हम डिटेल में देख लेते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। ठीक है, इनफ्लो करना यानी बाहर वाले देश से, फॉरेन कंट्री से होम कंट्री पे अपने यहाँ पे गुड्स लाना। तो इंडिया हमारा क्या है, होम कंट्री, और जो ईरान है वो क्या है, फॉरेन कंट्री। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महाराष्ट्र परचेज वीट फ्रॉम पंजाब। भाई देखो ये क्या इंटरनल ट्रेड है, वीट खरीद रहे हैं लेकिन क्या महाराष्ट्र और पंजाब के बीच में ही हो रहा है, तो ये हमारे विदिन द बाउंड्रीज है। ठीक है, इंटरनल ट्रेड हुआ हमारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन एज रिफर्ड टू एज इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि मतलब कोई भी स्टेट का नाम लिख सकते हो, हमारे जितने भी स्टेट है इंडिया में, कि भाई इनका ट्रांजेक्शन इस स्टेट से हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया। अब देखो भाई ये बाहर वाला देश है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कॉटन मंगा रहा है इंडिया से, मेड रेडीमेड गार्मेंट्स फ्रॉम इट एंड सोल्ड देम टू मलेशिया। अब क्या कर रहा है, कॉटन मंगा रहा है इंडिया से, यानी क्या कर रहा है, वो अपने आप पे इंपोर्ट करवा रहा है हमसे, इंडिया वालों से परचेस कर रहा है, और फिर उसका क्या बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, रेडीमेड कपड़ा तैयार कर रहा है और फिर उसको सेल कर रहा है इंडिया में, नहीं वापस कहाँ कर रहा है, मलेशिया दूसरे कंट्री में, यानी एक कंट्री से इम्पोर्ट किया, ठीक है, उसको फिर अपनी कंट्री में लाया और उसका क्या किया, प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चर किया और उसको तैयार किया, फिर उसके बाद में उसको सोल्ड किया किसी और कंट्री में, यानी एक्सपोर्ट किया किसी और कंट्री। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी हिंदी में बोला, वही हम लोग को क्या हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, इंटरपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन।
ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जापान सेल्स स्मार्टफोन्स टू म्यांमार, ये क्या है? फॉरेन ट्रेड है। जापान क्या कर रहा है? सेल कर रहा है स्मार्टफोन म्यांमार को, ठीक है। दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, तो फॉरेन ट्रेड हुआ हमारा। यहाँ पे हमने फॉरेन ट्रेड लिख लेंगे, उसका जो मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अगर आपने, अगर आप मतलब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रही हूँ मैं डिटेल में, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर 10 का वीडियो फुल देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें मैंने आपको बहुत इजी तरीके से हमारे टॉम एंड जेरी की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझाया है हमारे इस फॉरेन ट्रेड के चैप्टर को, ठीक है। इंटरनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों के बीच में हमको डिफरेंस बिटवीन करना है, मतलब क्या करना है, डिफरेंस बताना है। फॉरेन ट्रेड भी लिखा रह सकता है, ठीक है, इसकी जगह इंटरनल ट्रेड की जगह होम ट्रेड भी लिखा सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो बेसिस पहला है हमारा मीनिंग, हमको ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम में अगर आएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आपको ऐसे लिखना है। पहला कॉलम होगा आपका बेसिस का, फिर इंटरनल ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसमें से सबसे पहला आपको मीनिंग जैसा आपको याद होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, जैसा आपको लर्न होगा उसके हिसाब से। यहाँ आपको बेसिस बनाना है, फिर हमारा सेकेंड कॉलम होगा इंटरनल ट्रेड का, और तीसरा मतलब कॉलम होगा हमारा जो नेक्स्ट जिसका डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए आपका लिखने का, ठीक है। अब देखो आई डेकोरेशन की बारे, तो आप डेकोरेशन भी कैसे करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे मीनिंग, फिर इसको डबल अंडरलाइन, कंट्रीज इन्वॉल्व डबल अंडर। तो ये सब क्या होता है, तरीके होते हैं जितना आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर पाए, भाई ट्वेल्थ वालों को प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जियोग्राफिकल यानी इंडिया के अंदर जो भी होगा इंडिया से, और इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारे इंडिया के बाहर से देश से किया तो हमारा इंटरनेशनल हो गया। कंट्री इन्वॉल्व, इंटरनल ट्रेड इज इन्वॉल्व इन वन कंट्री, और इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व मिनिमम ऑफ टू कंट्री, ठीक है। करेंसी पेमेंट आर मेड इन रिसीव्ड इन होम करेंसी ओनली, यानी इंडिया का रुपीज है तो रुपीज रुपीज, अगर अमेरिका का बात करें तो उन लोग का डॉलर डॉलर, ठीक है। पेमेंट टू, पेमेंट इज मेड एंड रिसीव्ड म्यूचुअली अग्रीड फॉरम फॉरेन करेंसी ओनली। अब क्या होगा, अब इंडिया और हमारा अमेरिका से हो रहा है डील, तो क्या होगा, वहां का जो भी करेंसी है यानी डॉलर रुपीज, अगर यहाँ मतलब अपने देश में मंगा रहे हैं इंडिया वाले अमेरिका से कुछ गुड्स मंगा रहे हैं, तो हमको अपनी करेंसी में पे मतलब करना पड़ेगा उन लोग के डॉलर में। अगर उन लोग हमारे यहाँ से मतलब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है और हमको क्या करना पड़ेगा, उन लोग को क्या करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये करेंसी है, ठीक है। रिस्क भाई है ना, इंटरनल ट्रेड इज इन्वॉल्व इन लेस डिग्री ऑफ रिस्क, इंटरनल ट्रेड में कम रिस्क होता है कंपैरेटिवली इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें क्या होता है ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि क्या होता है ट्रांजिट रिस्क, मतलब लेके जाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया है भाई, मशीनरी वगैरह आती है तो मतलब यहाँ से लेके जाने में आने में कुछ गड़बड़ हो गई मशीन में, तो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी, सपोज हमने ऑर्डर कर दिया फिर क्या हो गया, करेंसी का डिमांड बढ़ गया, उसकी करेंसी की वैल्यू चेंज हो गई, तो उसका भी रिस्क है भाई, जितने में खरीदा आज के मतलब आज जितना भी करेंसी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से हमको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड डिमांड एक्सेट्रा, अगर मान लो डिमांड कम हो गई उस मशीनरी की तो भी हो सकता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में भाई इंटरनेशनली हो रहा है तो गवर्नमेंट तो हाथ डालेगी, तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा बहुत उसमें है गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स, दोनों में क्या क्या बदलाव हुए हैं हमको वो देखना है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है ना उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर और इन द फ्लो ऑफ गुड्स टू द होम कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना बाहर वाले देश को। इंपोर्ट रिजल्ट इन फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, इसमें क्या होता है, इंपोर्ट में हमारे यहाँ से गुड्स क्या होता है जा रहा होता है, आउटफ्लो होता है, और एक्सपोर्ट में क्या होता है इनफ्लो होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो, पेट्रोलियम हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडिया इंपोर्ट्स, पेट्रोलियम क्या था सबसे ज्यादा यूज होने वाला था, तो उसका इंपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, 31% प्रेजेंट वैल्यू है। और हमारा जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा किसका, इंजीनियरिंग गुड्स का है, 25% इन 2017-18। द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम इज गोल्ड, सबसे ज्यादा हमारा अगर पेट्रोलियम के बाद सबसे ज्यादा मंगाया जाने वाला दूसरा गुड्स कोई है तो वो क्या है, गोल्ड है, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड मोस्ट एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट होने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है. इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम इज स्टिल राइजिंग व्हाइल दैट ऑफ गोल्ड, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील हैज डिक्लाइंड ओवर अ टाइम. क्या हो रहा है, पेट्रोलियम की जरूरतें बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जो हमारा गोल्ड, आयरन, स्टील ये सब का क्या हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है. अब देखते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हर चीज में बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग गुड्स भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं. समझ में आ रहा है, केमिकल, केमिकल प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब भी ओवर अ टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, परचेस कम कर रहे हैं बाहर वालों से, और हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने का मतलब धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, देखो मैं बेसिक चीज बताती हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने हमारे चैप्टर 10 के चैप्टर में, ठीक है. वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो भी इंटरनेशनल लेवल पे परचेस और सेल होता है उसका रिकॉर्ड होता है, यानी हमारा क्या है, काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जैसा होता है. और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जैसे पीएनएल में बैलेंस निकलता है ना कि भाई हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ये 100 का इनकम आया, 150 का खर्चा हुआ, मेरा बैलेंस बचा, वैसे ही ये ट्रेड बैलेंस, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, ठीक है. आप जान लिया कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम का, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. इट रिफर्स टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या होता है, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड. जो भी डिफरेंस आता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में, वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है. अब देख लेते हैं डेफिनेशन. अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज डिफाइंड एज अ रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये क्या इंक्लूड करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग सिटीजन, बिजनेस, फर्म्स, गवर्नमेंट. इसके अंदर क्या होता है, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड्स के, वो इंक्लूड होते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखो बेसिक चीज थी ये वाली, फोर्थ वाली पॉइंट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये क्या है ब्रॉडर टर्म है, और उसके अंदर वाला पार्ट क्या है मेरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग, हमको क्या करना है, आंसर देना है. तो देखो आंसर लिखने का तरीका क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप्स. हमको क्या बोला है कि फॉरेन कंसेप्ट को क्या कर, फॉरेन ट्रेड को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और उसके टाइप्स के बारे में लिखना है. तो सबसे पहला हमारा होता है मीनिंग लिखना, ठीक है. तो हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. फिर हम उसका डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो मेन चीज बोला है हमको इट्स टाइप्स, उसके लिए भी लिखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग थ्री टाइप्स. अब देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको मार्क्स कैसे आएगा, पूछा तो दोनों है कि मतलब क्या होगा, वन थर्ड अमाउंट जो मार्क्स है वो आपका टाइप्स में जाएगा और जो वन फोर्थ है वो आपको इसके लिए मिलेगा. समझ में आ रहा है, अगर मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो सपोज 8 मार्क्स का आ रहा है तो 6 मार्क्स नीचे के लिए मतलब टाइप्स के लिए और 2 मार्क्स मीनिंग के लिए रहेगा. तो आपको लिखना है मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके बाद में टाइप्स लिखना है, ठीक है. एग्जांपल दे रही थी. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा आगे टाइप्स. पहला है हमारा इम्पोर्ट ट्रेड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. एक्सपोर्ट ट्रेड जब कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, एग्जाम्पल है जैसे टी, राई, जूट, चाइना, हांगकांग, ये सब को क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं. फिर हमारा है इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है. एग्जाम्पल ऑलरेडी हम बताए कि एक कंट्री से इंपोर्ट करवाना, फिर अपने कंट्री में बनाना, उसको मैन्युफैक्चर करना और दूसरे कंट्री को सेल करना, ठीक है. एक्सप्लेन एनी फोर फीचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड है हमारा, उसके कोई फोर फीचर हमको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है. सबसे पहले हम मीनिंग बता लेंगे, तो इसमें मीनिंग का कुछ ऐसा है नहीं, तो हमको ये बताना है कि कंपोजिशन एक्चुअली है क्या. इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज अंडरगोन अ ड्रास्टिक चेंज इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ओवर द लास्ट 70, ठीक है. द मेन फीचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज आर एज फॉलोज. पहला है हमारा इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम. जो हमारा नेशनल इनकम में था उसका शेयर क्या हो गया है, बढ़ गया है. मतलब जो भी नेशनल लेवल पे हमारा इनकम था, पहले कम होता था, अब क्या हो गया है, बढ़ गया है. मतलब अभी रिसेंट 48.8% होता था, जबकि 1991 में 17.55% ही हमारा नेशनल इनकम का ग्रोस मतलब था, और अभी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 48.8% हो गया, ठीक है.
देखो यहाँ चेंजेस बताया 2006-7 में कितना था, 2016-17 में कितना था, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, ठीक है? इंक्रीज द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, मतलब वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है और वैल्यू ऑफ ट्रेड मतलब उसके पैसे की भी बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब पहले कितना होता था 1991 में, उसके हिसाब से अब क्या हो गया, मेरा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही क्या हो गया, बढ़ी है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, भाई देखो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट के जो कंपोजिशन है यानी वॉल्यूम और वैल्यू दोनों बदल गए हैं, मतलब क्या, अब हम पहले कम चीजें एक्सपोर्ट करते थे, अब हम ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे था, पहले मतलब प्राइमरी एक्सपोर्ट जो थे मेरे, वो पहले क्या था, जूट, कॉटन, टी, मतलब जो भी रॉ मटेरियल टाइप होते थे, ऑयल, सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स, मिनरल प्रोडक्ट, ये सब। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके हिसाब से हमने क्या किया, रेडीमेड गारमेंट बेचने लगे, जेम्स एंड ज्वेलरी बेचने लगे, मतलब एक्सपोर्ट करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नाउ ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ये सब क्या है, मतलब अब ज्यादा से ज्यादा ये सब चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में क्या क्या चेंज हुआ है, हमको कोई भी चार लिखना था तो हम एक्स्ट्रा लिख देंगे, ठीक है? प्रियर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज टू इम्पोर्ट कंज्यूमर गुड्स सच एज मच, अब क्या क्या, मेडिसिन, क्लोथ्स, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब इम्पोर्ट होता था। अब इंडिया क्या क्या कर रही है, लाइक हाईटेक मशीनरी अभी मंगा रही है, केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब ये सब चीजें तो अब हम खुद बना लेते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टील, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें बाहर से मंगाते हैं, ठीक है? अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बाहर से ही इम्पोर्ट करवा रहे हैं। ओशियनिक ट्रेड, ओशियनिक ट्रेड मतलब क्या होता है भाई, शिप से जो भी ट्रेड होते हैं तो ये सबसे ज्यादा होता है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारा क्या है, मालूम है ना, हमारा इंडिया पूरा पानी से ऐसे ऐसे घिरा हुआ है, तो हमारा 68% क्या होता है, टोटल इंटरनेशनल ट्रेड हमारा किससे होता है, ओशनिक ट्रेड से होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स, अब देखो क्या हो गया था, पहले हमारा सिर्फ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये तीन पोर्ट थे, अब क्या हो गया, रिसेंटली नया नया पोर्ट बनाया है, कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, नावाशेवा, नावाशेवा जो कि हमारा मुंबई में है, विशाखापट्टनम जो हमारा आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, कांडला हमारा कच्छ यानी कि गुजरात में, ठीक है? और जो हमारा ये कोचीन है वो केरला में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो ये नए नए पोर्ट हो गए हैं, तो उससे क्या हो गया, बर्डन जो एग्जिटिंग पहले के थे पोर्ट, वो लोग पे थोड़ा बर्डन कम हो गया, तो क्या होगा, फ्रीली हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ज्यादा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन इंडियाज इम्पोर्ट, इंडिया के इम्पोर्ट में क्या क्या चेंज हुआ है। इम्पोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द परचेज ऑफ, पहले हमको मीनिंग लिखना है, ठीक है, इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, फिर हमको क्या क्या बोला है, ट्रेंड उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं हमको वो बताया है। तो पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो क्या हो गया है, 27% तक होता था, अब क्या हुआ है, ज्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन 31% तक हमारा क्या हो गया, इम्पोर्ट आ गया है, मतलब 4% का चेंजेस हुआ है। जो हमारा गोल्ड था, पहले हम ज्यादा करते थे, इम्पोर्ट ज्यादा करवाते थे 53 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से इन 2011-12, और अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 27.5 बिलियन तक इन 2013-14 तक लेके आ गए हैं, और अभी और भी कम इंपोर्ट करवाना है हमारा गोल्ड को, ठीक है? पेट्रोलियम जरूरी है इसलिए इस पे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड को हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट भी नए नए रूल निकाल रही है कि मतलब भाई गोल्ड का इंपोर्ट हमको कम करना है। फर्टिलाइजर उसको भी हमने कम ही किया, 41% तक 4.1% आता था, अब 1.3% आता। आयरन एंड स्टील उसको भी हमने कम इंपोर्ट करना शुरू किया है 4.9, और अभी करंटली 2.1 तक आ गया, ठीक है? तो ये हमारा आंसर है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस। हाँ, अगर आपको अभी आगे की हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? जैसे आप कंटिन्यू कर सके, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो।